नमस्कार दोस्तों, यादें बचपन की धारावाहिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमारी चर्चा चल रही थी डॉक्टर किरण बेदी जी से, और आज हम उस चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। अच्छा, ये इस फील्ड में आने के बाद, सर्विस में आने के बाद समस्याएं बहुत आई, मुश्किलें बहुत आई, हर फील्ड में आती। आपने बड़ी जो नॉन कन्वेंशनल तरीके थे वो अख्तियार किए उन्हें सुलझाने के लिए। उस समस्या का जो समाधान था, आपका तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। पहले ये होता था कि शराब पी हुआ आदमी आया, उसे पकड़ के पुलिस में डाल दिया, सुबह छोड़ दिया। हर रोज वो साइकिल कभी खत्म ही नहीं होता था। आपने एक जो सोच आपकी थी, वो नवज्योति और दूसरी जो संस्थाएं आपने शुरू की, मतलब वो एक जो आइडिया था, वो जो सोच थी, वो मतलब शुरू से आपने सोचा हुआ था या बाद में समस्याओं को देखने के बाद जब उनको फेस किया आपने, तब ये सोचा, ये मनन किया था, या पहले से ही ऐसा था कि इसी मैं अपने काम में मेरी एक चीज़ बड़ी मेरी नीड है, वो है फील्ड में रहना। मैं बड़ी फील्ड ओरिएंटेड हूँ, मैं दफ्तर ओरिएंटेड नहीं हूँ। मुझे सजा देनी है तो दफ्तर बैठा दो, ये सीक्रेट है ये। ओके। सजा देनी है तो दफ्तर बैठा दो फाइलों के पीछे, और अगर इनाम देना है तो फील्ड में छोड़ दो। तो मैं फील्ड ओरिएंटेड बहुत हूँ, क्योंकि मैं फील्ड ही तो रह चुकी हूँ। तो जब भी मैं चोर कोई पकड़ती थी, जब मेरी सर्विस शुरू हुई, तो मैं चोर से बात करने जाती थी कि चोर तूने चोरी क्यों की। वो हैरान होता था, पुलिस वाला क्यों पूछ रहा है, क्योंकि सजा ही देना तो काम है, जेल में तो बढ़ा दिया, और क्या करोगे। उससे नहीं नहीं तू मुझे बता तूने ये चोरी क्यों की। तो फिर मुझे बताता था कि मैं, मेरे माँ बाप ऐसे थे, या मेरा स्कूल ऐसा था, या मेरे दोस्त ऐसे थे, या मैं नशा ओरिएंटेड था। सो मेरा मतलब ये था, इसी मेरे अंदर एक सोशियोलॉजिकल माइंड था, सर्च कर रहा कि क्या मैं अभी इसको जेल भेज दूँ तो प्रॉब्लम खत्म, मैं कह सकती हूँ मैंने ये दिया, बट कल का क्या होगा। तो मुझे हमेशा कल की मन में ही रहती थी, कल क्या होगा इसके साथ, तो मैं ऐसा काम करूं ताकि ये कल दोबारा चोरी नहीं करे। मतलब ये आपकी बातचीत से ये अंदाजा लगाया मैंने कि आप समस्या की जो रूट कॉज है वहां तक टैप करते थे। और यूथ को भी हमारे आज, और हम सभी लोगों को जिसके सामने भी समस्या है, सभी के साथ, तो समस्या की रूट कॉज तक पहुंचना, रूट कॉज इज वेरी वेरी वाइटल। और ये ट्रेनिंग कम्स टू यू एज अ स्टूडेंट। अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्यों नहीं आए, टीचर खराब, फलाना, दूसरों को ब्लेम नहीं करना, आइडेंटिफाई मेरे में क्या कमी है जो मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं। तो जब आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाएं अपने रिजल्ट की, चाहे वो ठीक है तो भी, बुरा कम है तो भी, तो देन आप आपका ये पर्सनालिटी ट्रेट बन जाएगा, और ये आपके काम में भी आ जाएगा, नेचुरली आएगा। जो आजकल लोग हजारों करोड़ों रुपए खर्च के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, ये ट्रेनिंग अगर छोटे होते से आपके पास आ जाए तो आप कुछ भी प्रोफेशनल बनेंगे, एक्चुअली वो क्वालिटी आप अपने जॉब में ले जाएंगे और उस डिपार्टमेंट को उसका बेनिफिट मिलता है। वही अपना सेल्फ एनालिसिस हो गया, एक ऑडिट हो गया, फिर समस्याओं को समाधान के लिए रूट कॉज हो गया, और सेंसिटिव भी होना, दूसरे का दर्द को फील करना, कि उसको कहाँ दर्द हो रहा होगा, मैं उसको क्या हेल्प कर सकती हूँ ताकि उसकी दर्द कम हो जाए और वो ठीक हो जाए। सो दर्द भी महसूस, सेंसिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कई बार ऑफिसर्स बन जाते हैं और इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इनसेंसिटिव नहीं होना, वी मस्ट रिमेंबर कि दर्द कैसा होता है, दर्द कैसा होता, और मैं उसमें कैसे उसको हील कर सकूं, दैट्स द की। अच्छा, अब आपके बोल्ड डिसीजन की बात करते हैं। जब आप गोवा में थी, आपने बहुत वीआईपीज गाड़ियों को दूर ही रुकवा दिया, ऑर्डर्स पास कर दिए, तो ये इतने बोल्ड डिसीजन कैसे ले पाई आप? डर नहीं लगा क्या परिणाम होगा, कहीं ट्रांसफर होगा या कुछ होगा, होता है ऐसा? सी, मेरे जब मैं स्टूडेंट अगेर थी, मेरे में मन में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था कि कोई बहुत ऊंचा है, बड़ा अमीर है, बड़ा नाम है। मेरा भी तो नाम था, मैं भी थी, मैं भी एशियन चैंपियन थी, तो तुम भी मेरा नाम जानो ना। सो मेरे मन में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था कि ये चीफ मिनिस्टर साहब हैं या ये फलाने साहब हैं। साहब हैं तो होंगे, हैं इज्जत है जो उनको राइट है, लेकिन मेरा जो अधिकार है, जो मेरा कर्तव्य है, फिर आप उसके अधीन है। सो दिस इज माई होल अप्रोच, कि वाइल मैं आपकी पावर के अधीन हूँ, जो आपका कर्तव्य है, आप मेरे कर्तव्य के अधीन है, क्योंकि वह कानून है जो आप लोगों ने बनाया है।
सो इसलिए मेरे लिए कोई डर नहीं था कि ये मुझे पनिश कर लेंगे सो इसलिए मेरा ये था कि इट वॉज फियरलेस बट रिस्पेक्टफुल. आई वुड गिव द रिस्पेक्ट बट आई विल नेवर गेट स्केर्ड कि ये मुझे क्या करेगा. ट्रांसफर ही तो कर लेंगे, कर लो. तो जो ट्रांसफर करोगे कहाँ भेजोगे, मैं उसमें काम कर लूँगी. सो जो मिलेगा देख लूँगी, लेकिन मुझे इस वक्त वही करना है जो मेरा कर्तव्य है. लेकिन सबसे सेकंड बात थी कि मैं अपनी काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी. मान लो एज अ सीनियर मैंने ये डिसीजन ली तो उसका अंजाम मुश्किल हुआ, बड़ा कठिन हुआ, या उसकी एडवर्सिटी हुई या सजा मिलने लगी, तो मैं सबसे आगे खड़ी होती थी, पहले सजा मुझे दो, मेरे जूनियर को नहीं, क्योंकि जूनियर ने वो किया जो मैंने उसको बोला. सो इसलिए वह जब आप वॉल बन जाते हैं अपने जूनियर में, क्योंकि वह जूनियर को ढूंढते हैं एक्चुअली बलि का बकरा बनाने, लेकिन जब आप खड़े हो जाते हैं तो कोई बलि का बकरा नहीं बनता, बल्कि आप एक वॉल बन जाते हैं और अपने डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं अगर आपने कानूनी बात की. सो ये भी एक कैरेक्टर ट्रेट होती है. इसी ये चीज़ समझनी चाहिए यूथ को आज कि ये सारी क्वालिटीज़ आपकी उम्र में आती हैं, मेरी उम्र में नहीं आती, ये आपकी उम्र में आती. सो जितना आप जल्दी समझेंगे कि अगर हमको ऐसे बनना है तो मैं वो चीज़ सीखूँ, प्रैक्टिस करूँ, अपनाऊँ, एथिकल वे में चलूँ, हिम्मत दिखाऊं, मेहनती बनूं, तो ये सब क्वालिटीज, निडरता करूं. अरे रोटी तो चाहिए, दो रोटी, छह गज जमीनी तो चाहिए, क्या चाहिए आपको? और जब आपकी नीड छोटी हो जाती है तो सब कुछ एक्स्ट्रा है, तब आप घबराते नहीं किसी चीज से. बिल्कुल. सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इस यूथ में आता है. सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो मेरे मन में थी यूथ में आती थी. नौकरी नहीं है तो क्या होगा, मैं कुछ और काम कर लूंगी, मेहनत कर लूंगी, कुछ और करूं. सो मैं कभी नहीं घबराती थी मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ और करेंगे, देखेंगे उस वक्त. सो वर्तमान में हिम्मत दिखाना, मेहनत करना, सही रास्ते पे चलना, ये भी एक हैबिट होती है. कभी स्ट्रेस नहीं आया, मतलब नहीं, प्रेशर खेलो तो नहीं आता. खेलना जरूर रखो, पढ़ना जरूर रखो. लेकिन आदमी जब सेंसिटिव होता है, स्ट्रेस कभी तो आया होगा. मैंने एक बार पढ़ा है आपको, आपने लिखा है मैं रात को सो ना सकी. हाँ, मैं डर गई थी. वो बिकॉज आई थिंक यू आर सेंसिटिव. वो क्या नहीं, कई चीजों में स्ट्रेस होता है. जैसे वो था जिसमें, कौन सा वाला एग्जांपल एग्जांपल था वो, इतना पढ़ के आयो कि नहीं, ये मैंने आज नहीं पढ़ा है, मैं बहुत पहले पढ़ा. तो उसमें जब जेल में आपने कहा कि वो सिगरेट नहीं मिलेगी, और वो जब मेरे यहाँ से पसीना निकला, जब पसीना निकला, तो मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था यहाँ पसीना आया दिन में, सर्दी में ये पसीना निकला था, क्योंकि वह था कि जब हमने बीड़ी सिगरेट बंद कर दी थी हर जेल में, और कैदियों को कह दिया कि आप सिगरेट अलाउड नहीं होगा कल से, तो मुझे 100 कैदियों ने उठ के कहा, अच्छा मैडम कल हमको पंखे से लटके देखोगे. ओके. उफ, ये तो कोई आसान बात नहीं है. एक भी जना लटके तो मैं भी लटक गई ना, एक भी लटके तो मैं भी लटक गई. 100 जना कह रहा पंखे से लटके, मुझे पंखे नजर आने लगे. तो फिर क्या क्या कैसे उससे निकले आप अहिली नहीं, आप अपने डिसीजन को आपने बिल्कुल वैसे, इट्स रिस्क टेकिंग, दैट्स करेजियस. फिर मैं ये कहती, डर के कहती, अच्छा पीते रहो सिगरेट, यही चॉइस थी, पीते रहो सिगरेट, यही था ना, नहीं तो नहीं, ठीक. सो फिर मैंने उनको, कैदियों को अपने उनके कमरे में भिजवाया, फिर मैंने स्टाफ को बुलाया, फिर मैंने कहा बोलो क्या करना, क्या होना चाहिए, रात को कैसे बचाएंगे. बोले कोई मैडम फिक्र नहीं करो, हम लोग सारे ऐसे इधर. सो हमने प्लान बनाया कि उनको कैसे संभालना है रात को, क्योंकि हमारे पास चैलेंज ये था कि अगले 2-3 दिन जब इनकी सिगरेट हटाई है, क्योंकि इससे ये आदि बड़े हैं, इनको टूटन होगी, विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, तो पर बॉडी एक होगी, तो कैसे संभालेंगे हम. सो स्टाफ की टीम वर्क बड़ा ज़रूरी. जैसे मेन चीज़ है कि आप सब कुछ अकेले नहीं करते, आप टीम वर्क करते. मेरा सारा काम का जो भी श्रेय है वो टीम को जाता है, मैं उसका एक भाग रही हूँ. लेकिन लीडर के माने मुझे क्रेडिट ज़्यादा मिला, लेकिन ये सारा काम मेरे टीम वर्क से, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो प्रिजन्स का है, कोई भी काम बिना टीम नहीं हुआ. मेरी मुझे बहुत प्यार और इज्जत मिली अपनी टीम से, सबॉर्डिनेट से, पुलिस कॉन्स्टेबल से, इंस्पेक्टर से, कैदियों से भी. तो ये जो तंबाकू निषेध था और नशाबंदी थी, ये पूरा डंडे के जोर पे नहीं रहा होगा? नहीं नहीं, डंडा तो था ही नहीं इसमें. आप, क्योंकि मुझे मालूम है आप सुझाव लेके काम करते रहे. अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत कम सीनियर्स ऐसे होते हैं जो अपने जूनियर्स को क्रेडिट देते हैं. आप हर जगह यही बोलते हैं कि माय टीम वाज वेरी गुड. जो टीम वर्क वाली
जो बात है ना आप में, तो उसके बारे में मतलब वो क्यों डेवलप नहीं हो पाता है हिंदुस्तान में सर्विसेज में, इवन प्राइवेट सेक्टर्स में? आज तो कंपटीशन का ज़माना है, एक कंपटीटर दूसरे की वो टांग खींच के आगे निकलना चाहता है, तो टीम वर्क की हम बात हर जगह करते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने में कम मिलता है। टीम वर्क आप तब करते जब आप किसी से कम्पीट नहीं करते, आप सिर्फ अपने मकसद पे हैं, अपने मिशन स्टेटमेंट पे हैं, दूसरों से कम्पीट नहीं कर रहे। मुझे मेरा कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, मेरे पास काम है, मुझे अपना काम करना है और काम को कैसे करना है, किसी को इस्तेमाल करके नहीं, उनको भागीदारी बना के, पार्टिसिपेंट बना के, स्टेक होल्डर बना के, और जब उन्होंने काम अच्छा किया तो उन्हीं को क्रेडिट दे के। जब आप अपने जूनियर को क्रेडिट देते हैं, सीनियर को क्रेडिट आप डिनाई कर ही नहीं सकते, वो होगा, नेचर के कानून है कि सीनियर को ऑटोमेटिकली मिलता है क्योंकि वो उसकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सो इसलिए ये जब हमको समझ आ जाए कि पहली बात आप सब कुछ नहीं जानते, आपको अगर जानना है ना तो जूनियर से बात करो, जूनियर्स के काम को देखो, जूनियर्स के साथ खड़े होकर देखो, जूनियर्स की बात सुनो, फिर अपना दिमाग लगाओ और उसको इम्प्रूव करो। सो जब आप रिजल्ट करते हैं तो दोनों को क्रेडिट हुआ ना, आपने उसमें सपोर्ट डाली, आपने उसमें इम्प्रूवमेंट डाली, उसने आपको आइडियाज दिए, उसने आपको मेहनत दी, तो क्रेडिट तो ज्वाइंट हो ही गया। सो उसको क्रेडिट जाने दो, उसको क्रेडिट दो, क्योंकि ये मस्ट है कि जितना जूनियर जानता है आप नहीं जानते, क्योंकि वह फील्ड के क्लोजर है, वो फील्ड को ज़्यादा जानता है, आप तो 100 चीज़ें और कर रहे हैं, आप दूर हैं। सो इसलिए अगर आप जूनियर को सुनते हैं, उसका वेलफेयर भी करते हैं, उसको इंस्पायर भी करते हैं, उसको मोटिवेट भी करते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं, आपको रिजल्ट भी बेटर मिलता है। मैं मोटिवेशन का और रिकग्निशन का जो वो था ना आपका एक एग्जाम्पल, कोई बीमा स्कीम चलाई थी आप, तो मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस से शेयर करें सो दैट एवरीबॉडी शुड नो कि कैसे रिकग्निशन अपने सबॉर्डिनेट्स को दिया जा सकता है और कैसे दिया। दैट इज वेरी गुड एग्जांपल। आई नो, इट्स अ वंडरफुल आइडिया। इट टर्न्ड आउट टू बी, हम लोग तिहाड़ जेल में थे तो हमारे पास कोई 300-400 स्टाफ के मेंबर थे, किसी का कोई इंश्योरेंस नहीं थी, और उनको अटैक होता था अगर कोई भी तो इंजरी, कोई गिर जाता था, कोई चोट लगती थी या बीमार हो जाता था, डेथ भी होती थी, सो कोई इंश्योरेंस नहीं थी उन दिनों में। तो हम लोग ऐसे ही हमेशा अपनी रेगुलर मीटिंग जब करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते थे, सॉल्यूशंस भी ढूंढते थे, तो उसमें सॉल्यूशन निकला, मेरे डीआईजी जयदेव सारंगी ने दिया कि मैडम हम क्यों नहीं, इतने सारे लोग हैं, ग्रुप इंश्योरेंस करें अपनी, आई एम टॉकिंग ऑफ समथिंग 12 ईयर्स अगो, ओके, हम ग्रुप इंश्योरेंस करें। सो वी डिसाइडेड कैसे करें, बोले हम इंश्योरेंस कंपनी से बात करते हैं, सो वी टॉक टू ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एट दैट टाइम, और अभी भी है, उनसे पूछा कि कोई हो सकता है, तो उन्होंने बोला हाँ बड़ा सिंपल है, सब जिन्हें 7 रुपये महीना दो, हम मैं सबको 1 लाख की इंश्योरेंस दे देता हूँ। सो तो बात हो गई, नाउ इट केम कि इंश्योरेंस की पॉलिसी, इंश्योरेंस की स्कीम को नाम क्या दिया जाएगा, एंड वी नेम्ड इट सारंगी स्कीम। बात करेंगे पेशेंस की, तो मैं भी जब यूथ में था अपने तो बड़ा अभी भी थैंक यू तो पेशेंस नहीं था। अब ये बच्चे बहुत देर से आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, मैं इनके पेशेंस का टेस्ट ले रहा था, तो इंपेशेंट नहीं लग रहा, कोई भी नहीं लग रहे हैं, कोई भी लेकिन इंपेशेंट नहीं लग रहा, कुछ होगा तो इतने प्यार से हंस रही जा रहे हैं और बात सुनी जा रहे हैं, तो इनसे आप लोग कोई सवाल, कोई अपनी क्वेरी डॉक्टर किरण बेदी से पूछना चाहें। मैम आप इस टाइम कई लोगों की आइडल बन चुकी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका कौन ऐसा आइडल है जो आपको प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की? मेरा एक आइडल नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, मेरे लिए एक विचार भी आइडल है, मेरे लिए एक सिचुएशन भी एक प्रेरणा है। सो मैं प्रेरणा लेती रहती हूँ वातावरण से, लेकिन मेरी माँ बाप का प्यार जो है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा का था, मेरी माँ बाप और मेरी बहनों, मेरे परिवार का प्यार, मेरी परिवार की जो स्ट्रेंथ थी वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा थी, लेकिन और वो रहेगी अंत तक रहेगी। लेकिन मैं किताबें अच्छी पढ़ती हूँ, अच्छी संगत में जाती हूँ, अच्छे प्रवचन सुनती हूँ, सो ये सब मेरे लिए प्रेरणा है। मैं रोज़ प्रवचन सुनती हूँ, जब मैं मॉर्निंग वॉक में जाती हूँ मैं एक प्रवचन सुनती हूँ, जब मैं ब्रश भी कर रही होती हूँ तो मेरे लिए एक प्रवचन लगा होता है, मैं अपना समय गाड़ी में ड्राइव करती हूँ तो मेरे पास किताब होती पढ़ने के लिए, अखबार में देखती हूँ, मैगजीन में लेती हूँ, बुक में लेती हूँ, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ती हूँ, मेरी लाइब्रेरी देखो उसमें सब अच्छी अच्छी पुस्तकें से भरा हुआ है, कभी ये किताब उठाती हूँ कभी ये। सो ये है आपके लिए, एक व्यक्ति या एक मौका नहीं प्रेरणा होता, जब तक आप
हवा में से रेगुलरली ऑक्सीजन लेने की आदत नहीं डालो तो आपकी ऑक्सीजन एक दिन खत्म हो जाएगी. सो आपको रेगुलरली लेते रहना है हवा से सुगंध और प्रेरणा, जिससे आप प्रेरित रहें, अपने आप में एब्जॉर्ब करते रहें और तंदुरुस्त रहें. मैम, फ्रॉम द बिगनिंग यू वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म, सो व्हाई पुलिस? यू कुड हैव जॉइन आर्मी और एयर फोर्स, देन व्हाई पुलिस? पुलिस वाज मोर सिविल इन द मोर इन द पब्लिक, इसलिए मैं पब्लिक के बीच में रहना चाहती थी, बॉर्डर पे नहीं रहना चाहती. सो आजकल मिलिट्री आर्मी भी हमारी आज पब्लिक में है, लेकिन उतनी नहीं है ना, ओनली टिल इन द टाइम्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस. नहीं तो वो हमारी बॉर्डर्स को डिफेंड करती है. मैं आंतरिक डिफेंस में बिलीव कर रही हूँ. सो इंटरनल डिफेंस में आना चाहती हूँ, जिसमें मेरा पब्लिक डीलिंग हो, पब्लिक कॉन्टैक्ट हो, इसलिए मैं बहुत पब्लिक ओरिएंटेड हूँ. मैम, आज आप पुलिस की इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, तो कई बार आप प्राउड फील नहीं करती हैं? वो क्या होता है? किस बात का गुमान? अरे कुछ दिन हुए बीमार भी तो हो गई थी, किस बात का गुमान? पता नहीं कल मैं कल कहाँ हूँ. सो किस चीज़ गुमान करके करना क्या है? अपने आप को ही गिराने वाली बात. सो बल्कि इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा बचना चाहिए कि गुमान ना आ जाए कि ये मैं किया. ना ना, हमने किया, हमसे हुआ, हमने मिलके किया या हो गया. मैंने किया तो महापाप हो जाएगा. मैम, जब आप तिहाड़ जेल में बड़ी अफसर थी, उस वक्त आपने ऐसा क्या सोचा कि ये जो कैदी हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई बीमार है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको इम्प्रेस किया कि कुछ इन लोगों के लिए किया जाना चाहिए, कुछ चेंजिंग होनी चाहिए? उनको सिर्फ ये अलर्ट किया कि कल तक तो किताब लिख चुके हो, कल का कागज़ नहीं लिखा अभी, कल का कागज़ आपका उतना ही साफ है जितना मेरा है, तो हम एक साफ कागज़ पर एक जैसा अच्छा लिख सकते हैं. सो जब उनकी ये समझ में आ गई कि कल तक अगर मेरी किताब ख़राब है लेकिन कल का कागज़ साफ़ है, उसको मैं क्यों ख़राब करूँ, तो उसके लिए मैंने उनको वो साधन देने की कोशिश की जो जिससे वो अच्छी किताब लिख सके. योगा दिया हम लोगों ने, पढ़ाई दी, समय का सही व्यतीत करना, मेडिटेशन प्रोग्राम्स दिए, तो प्रवचन दिए, इसीलिए तो बीड़ी निकाली ताकि तंदुरुस्ती आए. सो हमने वो तीनों चीज़ें उनको दी, मानसिक तंदुरुस्ती, फिजिकल तंदुरुस्ती और आत्मिक तंदुरुस्ती. उसी से उनमें बदलाव आने लगा और वो करके दिखाया. उनसे खूब बातचीत की मैंने, ये नहीं कह दिया चलो पढ़ो डंडा मारे. नो नो नो, क्यों पढ़ो, क्यों प्रवचन सुनो, क्यों योगासन करो, क्यों खेलो, क्यों एक्सरसाइज करो, क्यों कदर करो, क्यों नहीं गंदी जबान बोलो, क्यों शांति में रहो, क्यों 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 करके उनको बहुत पढ़ाया. मैं रोज़ उनसे बात करती थी, 10,000 कैदिए थे तो मैं रोज़ मिलती थी, कम से कम नहीं तो 5,000 को, और बात करती थी एज अ मदर, एज एन ऑफिसर, एज अ दोस्त, तो एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, उनसे बात करती थी. बात करते करते वो बदलने लगे, क्योंकि इतनी देर उनसे कोई शायद किसी ने बात नहीं की, या उन्होंने सुनी नहीं, लेकिन मेरी बात उन्होंने सुनी, ये फ़र्क था. मैम, व्हेन यू जॉइंड फॉर द फर्स्ट टाइम एज फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, देन व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर काउंटरपार्ट्स, मेल काउंटरपार्ट्स ओवर देयर? जो तो जानते थे कि ये टेनिस प्लेयर थी तो कहते उन्हें आना ही था. जो नहीं जानते थे वो कहीं खुश थे, कहीं परेशान थे. सो तीनों मिक्सचर थे, खुश भी थे, परेशान भी थे, स्केप्टिसिज्म भी था कि क्या होगा, अब क्या होगा, क्राइम बढ़ जाएगा, औरत आ गई है तो क्रिमिनल खूब मारेंगे अब डंडे, औरत को क्या है. सो आई थिंक मैंने तीनों चीज़ें देखी. मैम, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यादें बचपन की, तो ऐसा कोई वाक्य आपको याद आता हो, आपने कोई शैतानी की हो या शरारत की हो, जिसे सोचकर आप आज भी हंसती हो मनी मन में? मुझे नीडल वर्क बहुत मुश्किल लगता था. मैं सुई धागा नहीं लेके बैठ सकती थी, निटिंग नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बैठ के करने वाली बात, मुझे सब जगह चुड़ बुड़ होती थी, ये क्या बैठा दिया. तो नीडल वर्क हमारे स्कूल में था, सिस्टर्स ने मुझे, मेरा सेक्रेड हार्ट स्कूल अमृतसर मेरा स्कूल था, वहाँ निटिंग, और तुमको पता है नंस जो है निटिंग बड़ी करती है, नंस जो है एम्ब्रॉयडरी बड़ी करती, तो मेरी एम्ब्रॉयडरी क्लास में हमेशा फेल होती थी, मेरा काम ही कभी कंप्लीट नहीं हुआ होता था. एक दिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती स्कूल के बाद रख लिया कि तू यहाँ बैठ, तू ख़त्म कर. तो मैं बैठ गई निटिंग करने, मैंने रास्ता ढूंढा, उसमें से निकल गई. अगले दिन मुझे उन्होंने स्कूल के बाहर से ही पकड़ लिया, तू कल भाग गई थी ना, आज नहीं छोड़ेंगे. फिर मुझे उन्होंने सब बंद कर दिया, मैं
फिर से भाग के निकल गई। और अगले दिन जब उन्होंने मुझे पकड़ा कि आज तुझे नहीं छोड़ेंगे, मैंने कहा मेरा तो बना बनाया है, क्योंकि मैं अपनी नानी के पास चली गई। मेरी नानी जी को बोला मेरा निटिंग कंप्लीट करके दो, नहीं तो मैं मुश्किल में हूँ। तो मेरी रात भर मेरी माँ नानी ने सारा स्वेटर की बाजू बनाई, टोपी बनाई, बूटी बनाई। तो उन्होंने मुझे पकड़ा तो मैंने कहा मैं तो स्वेटर बना बनाया ले आई हूँ। तो मैं दो बारी भागी उनसे, मैं कभी नहीं भूल सकती जिस तरीके से मैं उनसे भागी। पता नहीं कैसे दरवाजे खोले, कौन सी खिड़की से निकली, लेकिन इतना मुझे याद है कि मैंने, मुझे वो बंद नहीं कर सके, मैं निकल गई। मैम अभी आप डिफेंस में हैं, तो पुलिस में जाना है, या आपका ग्रेजुअल डिसीजन था, या बचपन में ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ था कि आपको लगा कि आपको सोसाइटी को ऐसे सर्व करना है? मैं इनजस्टिस जब देखती थी तो इनजस्टिस मुझे परेशान नहीं करता था, ये दिमाग में लाता था कि मैं इसके लिए क्या कर सकती। तो अगर यूथ में हमारी ये भी फीलिंग आ जाए कि हम जब डिप्रेस ना हो एक गलत चीज़ देख के, बल्कि ये देखें कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ ताकि वे उतना कम होए, मैं इसमें शामिल नहीं हो जाऊँ, लेकिन व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकती हूँ जीवन में जिसमें ये उतनी पीड़ा कम हो जाए। सो आई थिंक ये मेरे मन में आने लग गया था। मैं भी इनजस्टिस देखती थी, जब पुलिस ऑफिसर गलत डंडाबाजी करते थे, गलत गिरफ्तारी करते थे, तब मुझे घृणा नहीं होती थी उससे, बल्कि ये होता था अच्छा एक दिन दैट मीन्स ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, यही डिपार्टमेंट न्याय देता है जो अन्याय दे रहा है, तो मैं न्याय, अगर मैं जाऊं तो न्याय दे सकती हूं, तो कितने खुशी से जाएंगे ये लोग। तो मैं उसकी पॉजिटिव साइड देख रही थी, नेगेटिव को देखते हो पॉजिटिव, इसलिए ये आकर्षित किया। अच्छा एक बात कि इस सफलता के लिए बड़ा स्टीरियोटाइप सा क्वेश्चन है, क्या कीमत चुकानी पड़ी आपको? अगर मेहनत कीमत है तो क्या वो कीमत है? नहीं, सिर्फ वही नहीं, वो कीमत नहीं, नहीं। सो आई थिंक अपने आप को, अपनी चॉइसेस करते जाओ और मेहनत करते जाओ। ज़्यादा सो नहीं सकते, ज़्यादा खा नहीं सकते, ज़्यादा मज़े नहीं कर सकते, समय बर्बाद नहीं कर सकते। तो अगर वो कुर्बानी है तो बहुत अच्छा हुआ, वो बहुत अच्छा हुआ। आई थिंक अगर कीमत मेहनत है और त्याग है, इसमें त्याग है, त्याग। इसमें कंट्रोल है, इसमें सेल्फ डिसिप्लिन है, इसमें सेल्फ कंट्रोल बहुत। सो इसमें अगर त्याग है उन चीजों मजों का, तो मैं समझती हूँ बहुत ही अच्छा त्याग है। सो उसका रिजल्ट तो आई डोंट थिंक कीमतें कोई चुकानी पड़ती। हाँ रिस्क जरूर है, उसमें करेजियस होना पड़ता है, निडर होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है कि कल क्या होगा मालूम नहीं, अनप्रडिक्टेबिलिटी से भी रहेंगे कि कल क्या होगा, लेकिन कल जब आएगा तब देखेंगे ना, आज जो मुझे करना है करो। सो आज में रहना क्या वो त्याग है? नहीं। सो आज में रहो तो ये चॉइसेस है। अच्छा इस मंच से यादें बचपन की, कोई ऐसी बात जो इन्होंने या मैंने ना पूछी हो लेकिन आप शेयर करना चाहें अपने मन से, ताकि ये कैरियर के उस कगार पर हैं जैसे आपने बातचीत की इनसे कि आगे बढ़ना है, कैरियर बनाना है अपना, और बहुत कुछ करने की ख्वाहिश भी होगी मन में सबके। हमारे जीवन में हॉलिडे कोई नहीं होती, देयर इज नो हॉलिडे इन नॉलेज, देयर इज नो हॉलीडे इन प्रिवेंशन। कोई प्रिवेंशन के लिए हॉलीडे नहीं, सोचो आज हॉलीडे तो मैं जो मर्जी कर लूँ उसका भुगतान भरना पड़ता है। सो देयर इज नो हॉलीडे इन लिविंग। हॉलीडे होता है आपको जो चीज़ कॉन्शियसली कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, वो कॉन्शियस डिसीजन मीन्स दैट इज अ हॉलीडे। बट सोच लो कि आज मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फेंकूँ, आज मेरा मन कर रहा है तो आज भांग पी लूँ, तो उसका उसका अपना अंजाम होता है। सो ये होली है तो भांग पड़े, उसका फिर अंजाम होता है, राइट? सो होली है लेकिन नो भंग, नो पकौड़े वाले भंग, नो। सो देर इज नो हॉलीडे, देर इज, देर मे बी अ होली बट देर इज नो हॉलीडे इन होली। सो जीवन में, सो जीवन इज फुल ऑफ होली बट देर इज नो हॉलीडे इन दैट होली, क्योंकि आप होली में गलती कर लो तो क्या होता है उसका अगले दिन? अगले दिन सर भारा रहता है, उठ नहीं सकते, लड़ाई हो गई, मैंने तो स्टैबिंग्स देखी है, उस दिन अस्पताल भरे होते हैं चाकू से। सो देर इज नो हॉलीडे इन आर लाइफ फ्रॉम राइट लिविंग। राइट लिविंग में कोई हॉलीडे नहीं है। अगर आपने राइट लिविंग में हॉलीडे करी तो उसका फिर उतना अंजाम आपको देना पड़ता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो सोचोगे ये अंजाम अब कहाँ से आया, इट इज़ फ्रॉम समथिंग समवेयर। सो इसलिए ये ध्यान रखना, मेरी लाइफ की फिलॉसफी ये है कि, और ये हकीकत है, रिसर्च है कि 100 इंसिडेंट्स आपके जीवन में होते हैं मुश्किल के, 96 आपके खुद के क्रिएटेड होते हैं, 4 कुदरत की तरफ से होते हैं, 96 हमने खुद क्रिएट किए होते हैं। सो वो 96 को आपने, तो 4 को 4 ही रखो,
96 को 100 मत बनाओ, राइट? सो अगर आपने सही सोचा, सही कर्म किया, सही रास्ते पे चलते गए, सेफ अपने आप को शीशे में देखते गए, अपने दोस्त बनते गए और होली में हॉलीडे नहीं की, तो मैं ये समझती हूँ कि आपने फिर वो जो कुदरती जो चार है 96 आप कम करते जाओगे। सो मेरी ज़िंदगी, अगर आप अपने आप को ना लाइफ में एंड में सोचा करो दिन में, आज जिस चीज़ में मैं खुश हुई किस वजह से हुई, खुद क्रिएशन हुई, या और अगर कोई बुरी हुई तो मैंने, अगर मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं उसको करेक्ट कैसे करूँ। तो आप डे टू डे करेक्टिव पाथ में रहेंगे और फिर आम तौर पर आम नेग्लिजेंटली कोई गलती नहीं करेंगे। गलती हो गई सर्कमस्टांसेस से, फिर वो 4% में आएगा, 96 में नहीं आएगा। थैंक यू। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आज का ये जो टॉक शो है, जो डॉक्टर साहब से बातचीत है, वो हम सब के लिए एक वर्कशॉप होने जा रही है, जो हम करियर ओरिएंटेड और जो हम सीखना चाहते हैं कि जो ऐसी बातचीत जो हमारे जीवन की शायद राह ही बदल दें, हमारी सोच को बदल दें, हमारे विचार बदल दें, हो सकता है हम एक रास्ते पर जा रहे हैं वहाँ से यू टर्न ले लें, तो ऐसी बातचीत हुई। हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर किरण बेदी जी का, हमारे साथ आई इस प्रोग्राम में और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन रहा हम सब लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। आप मुझे सुनते रहे, आप बोले ही नहीं।